मैडम आप कैसी खुशी लग रही है आपको 5 दिन बाद बच्चा मिला आपको? किसका शुक्रिया अदा करना चाहते हो आप? जी वो मांडलगढ़ से निकला था 10 तारीख को नाइट में, फिर वो कोटा गया, कोटा से फिर उसके उसका हमारे को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद 15 तारीख को अजमेर स्टेशन पे जीआरपी वालों ने पकड़ा। किसका शुक्रिया अदा करना चाहते हो? जीआरपी वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सर हम। क्या वजह थी जो बच्चा निकल गया था? अभी तक वजह तो क्या, ये घर में मान लो थोड़ी बहुत उसके माता से बोल कुछ कह दिया हो तो। मेरा नाम यूसुफ मोहम्मद, मांडलगढ़ जिला बिलवाड़ा। 15-10-19 को श्रीमान एसपी साहब जीआरपी अजमेर के निर्देशानुसार दीपावली त्यौहार को देखते हुए स्टेशन अजमेर पर राजा राम जी उप निरीक्षक व स्पेशल टीम श्रीमान सिंह जी, दिलीप सिंह, मोहनलाल जी और सुमेर जी द्वारा गश्त चेकिंग की जा रही थी। दौरान गश्त चेकिंग एक बालक जिसकी उम्र करीबन 15-16 साल थी, वो उपेक्षित अवस्था में घूमता हुआ मिला, जिससे तसल्ली देकर हमने पूछताछ की तो बालक ने बताया कि वो बिना बताए घर से निकला हुआ है, 3-4 दिन हो चुके हैं, जिस पर उसे चाइल्ड लाइन का जो ऑफिस है स्टेशन वहाँ बैठाया गया। उसके परिजनों को सूचना दी गई, उसके परिजन भीलवाड़ा से मांडलगढ़ से उपस्थित आए। परिजनों के उपस्थित आने पर पता पड़ा कि उस बालक के गुम होने और अपहरण के संबंध में पुलिस थाना मांडलगढ़ में प्रकरण संख्या 379 धारा 363 IPC में दर्ज किया हुआ है, जिस पर पुलिस थाना मांडलगढ़ से बात की गई। एक सिपाही अपने थाने से और परिजनों के साथ में बच्चे को रवाना किया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई जो है पुलिस थाना मांडलगढ़ द्वारा की जाएगी। बच्चों को सबूत लगे इसके? जी, इसके परिजन आ चुके हैं, इसके नाना, इसकी मदर, उनके साथ इसको रवाना किया जा रहा है। आपका नाम? दिलीप सिंह, कांस्टेबल जीआरपी थाना अजमेर।